नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा बिग अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें बताऊंगा कौन कौन से वो अजीब और गरीब नोट है दोस्तों जो किसी समय में चलते थे या अभी की उन्हीं जब सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो कौन कौन से सिक्के व नोट है। दोस्तों उन नोट व सिक्कों में ना तो ट्रैक्टर वाला नोट है ना ही माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है। तो फिर दोस्तों कौन से नोट व सिक्के हैं उनके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों आज मेरे को एक रियल बॉय से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि ट्रैक्टर वाले नोट और माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों का प्राइस जो है वो लास्ट जो होता है 250 से 300 रुपीज होता है। तो दोस्तों उनसे बात करते हैं वो कौन कौन से सिक्के व कौन कौन से नोट है, पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों आज। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर, आप क्या ओल्ड कॉइन्स खरीदने वाले बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल वही जी सर, दोपहर में संपर्क हुआ था ना। जी 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 हाँ जी बताइए बताइए जी सर। तो सर हमें जानकारी चाहिए कौन कौन से सिक्के आप खरीदते हो और कौन कौन से नोट खरीदते हो और क्या प्राइस है उनकी। अब सर्वप्रथम तो अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। अच्छा व्हाट्सएप ओपन, जी सर उसमें मैं आपको जो जो नोट और सिक्का भेजता हूँ जी, तो वो आपके अगर आपके पास है तो आपको सही में लाखों में मिलेंगे पैसे। अच्छा अच्छा सर, पर जो सर मैं शर्तें बताऊंगा वो कंप्लीट होनी चाहिए वरना तो एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। जी सर शर्तें कंप्लीट होगी लेकिन माता वैष्णो देवी वाला ये कोई नोट और सिक्का बिकता ही नहीं है। अगर ये आपके पास है तो हमसे संपर्क ना करें और हमारा समय भी बर्बाद ना करें। जी सर हमें जानकारी लेनी है कि आप कौन कौन से नोट खरीदते हो सर। तो सर मतलब सबसे बड़ा जो है यही हमारा परेशानी रहा है, रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में पहले ही बता दीजिए सर। सर रजिस्ट्रेशन शुल्क कोई नहीं होता है, होता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन शुल्क। जब से आप उन सिक्कों के बारे में जानकारी लोगे ना जी जी, तब आपके भी मन में ख्याल आ जाएगा कि बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फीस होता ही नहीं है और सिक्के भी खरीदे जाते हैं। जी सर, तो सर ओपन कर लिया आपने? सर जी अभी कर रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मुंबई से सर। मुंबई से सर, हाँ जी। आपका एजुकेशन लगता है वहाँ पे? सर एजुकेशन लगा है, अभी भी अच्छा अभी भी लगा हुआ है। तो सर ये ट्रैक्टर वाला नोट और माता वैष्णो देवी वाला नोट आप बिल्कुल नहीं खरीदते? बिल्कुल नहीं खरीदते सर। जी सर, तो सर ने काम में ले लेंगे इनको चाहिए तो मैं। जी जी अभी मतलब मैं व्हाट्सएप ओपन करना है मेरे को। जी सर एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों बॉयर से बात हो रही है, उन्होंने साफ कहा है ना तो ट्रैक्टर वाले नोट ना ही माता वैष्णो देवी वाले सिक्के उनको चाहिए। उनको जो सिक्के चाहिए वो कौन कौन के से सिक्के है और कितनी प्राइस उनकी मिलती है वो जानते हैं दोस्तों। तो उन्होंने व्हाट्सएप ओपन करने के लिए बोला है तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, क्या बताते हैं व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी ये दोस्तों व्हाट्सएप ओपन कर लिया है तो बात करते हैं। हेलो हेलो, जी सर व्हाट्सएप ओपन कर लिया मैंने। जी सर एक फोटो आई है आपके पास? जी सर फोटो, हाँ सर आई है मेरे पास एक फोटो। वन रुपीज इंडिया जी, ये हाँ वन रुपीज इंडिया कुछ ऐसा फोटो है, देखिए दोस्तों। तो सर इसकी कीमत मैं आपको बता दूं, इसकी कीमत मात्र 3,000 रुपए है। अच्छा इसका कीमत कितना है सर? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए इसका मात्र कीमत है? हाँ। जी सर 3,000 रुपए लास्ट, इतना ही सर। अगर आपके पास है तो हमें बताइए, आपको हमारी एग्जीबिशन का हम एड्रेस देंगे उसके बाद। अच्छा सर मतलब इसके 3,000 रुपए ही लास्ट मिलने वाले हैं? हाँ जी। जी सर तो आगे कौन कौन से सिक्के व कॉइन्स है सर? सर नेक्स्ट फोटो भी आपके पास आ गया है? जी चेक कर रहा हूँ एक मिनट। दोस्तों सिक्का जो बताया था उसकी लास्ट प्राइस उन्होंने बता दी है 3,000 रुपए। बहुत ही पुराना सिक्का मेरे को लग रहा है, 1 रुपीज का कुछ ऐसा सिक्का है सर। अभी तक फोटो नहीं आई ना? आ गया सर आ गया। जी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी तो नहीं पहुंचा हमारे यहाँ। जी सर ये दूसरा वाला भी फोटो आ गया है? हाँ जी जी सर, अच्छे से देख लो इसको। जी सर देख लिया हमने, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है ना सर, क्या है देखता हूँ मैं। ये है कुछ UN UM कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों आप भी देख सकते हो, ये है सिक्का नोट जो बता रहे हैं। जी सर इसका कितना प्राइस है? इसका सर 67,000 रुपए है अभी वर्तमान में। 60 या 7,000, ये इंग्लैंड की महारानी का है, इस पे जो फोटो है। जी जी जी
मतलब 6-7 हजार रुपए ही इसका ही लास्ट प्राइस है सर। हाँ जी जी सर। तो सर ये लाखों रुपए के कौन से सिक्के व नोट होते हैं फिर? सर अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, जल्दी जल्दी बात की जी। भेजिए सर, भेजिए जी सर, बताइए। और सर इसके बाद ये जो आ गया है, हाँ सर ये आया है एक मेरे पास, ये जो आदि मानव की फोटो लगी हुई है। जी सर, जी सर आया है एक और। जी सर, तो 490 की कोई नहीं है जी। तो इसका कितना प्राइस है सर? सर इसका 90,000 रुपए। 90,000 रुपए? हाँ जी सर, 90,000 रुपए इसका प्राइस है सर। जी बिल्कुल जी सर। तो आगे सर फिर ये एक और भेजा आपने, जी सर एक और भेजा है ना आपने? सर देख लीजिए आपके पास अगर है क्या ये सिक्का। जी सर ये सिक्का तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए सर, विक्टोरिया वाला कुछ ऐसा सिक्का है। सर ये विक्टोरिया वाला सिक्का है, महारानी विक्टोरिया के समय का सिक्का है। जी जी सर, इसकी प्राइस है 45,000 रुपए। 45,000? हाँ जी। इसे देख लिया आपने अच्छे से? जी सर। इसके बाद एक और भेजा मैंने आपको। अच्छा एक और भेजा सर, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, एक मिनट सर। जी सर ये आया है एक और। सर इसकी प्राइस है जी, इसकी कितनी? 17,000 रुपए। 17,000 रुपए? हाँ जी। जी सर, जी सर 17,000 रुपए। एक और आया सर, आपने एक और फोटो सेंड किया है 1798 का, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। जी सर 1798 रुपए का एक और सिक्का आपने सेंड किया है। हाँ सर, इसकी प्राइस है सर 95,000 रुपए। 95,000 रुपए? हाँ जी। जी सर। सर इसके बाद एक अजीब सिक्के की फोटो भेजिए। जी सर यह तो बहुत ही पुराना लग रहा है मेरे को, कुछ मुद्रा की टाइप का है सर। अगर ये आपके पास है जी, इसके सर अभी लगेंगे 12,00,000 रुपए। अच्छा सर, इसके 12,00,000 रुपए? हाँ जी सर। मैं आपको बता दूं ये गोल्ड कॉइन है। कौन सा? गोल्ड कॉइन है? हाँ सर। जी सर, तो 12,00,000 रुपए मिलते हैं इस एक ही कॉइन के, गोल्ड कॉइन है ये। सर सोने का है ना ये? जी जी जी, वही तो जान रहे हैं ना, गोल्ड का मतलब तो हम भी जानते हैं सर। जी सर, वजन लगभग 60 ग्राम होता है। जी सर। उसके बाद एक और आया सर, आपने एक और सेंड किया ना? क्या? एक और फोटो आया सर, सेंड किया है। ये भी सर गोल्ड कॉइन है जी, इसकी भी प्राइस आपको लगभग 12,00,000 मिलेगी। अच्छा लगभग इसका भी 12,00,000 प्राइस है? जी सर। जी जी बिल्कुल जी। इसके बाद एक और कॉइन है जी सर, जो सर चांदी का है। जी सर, उसका प्राइस आप फोटो देख लो। जी बताइए। तो सर इसका प्राइस है सर 3,00,000 रुपए। 3,00,000 रुपए इस सिक्के का प्राइस है? जी सर। तो सर उसके बाद एक 4 ईयर का जो सिक्का है आपके पास। जी जी, मिल गया क्या? जी सर, फोटो आ गई होगी ना मेरे हिसाब से। जी सर, हाँ हाँ ये आ गई। तो सर इस सिक्के का प्राइस है 1,45,000 रुपए। 1,45,000 रुपए इस सिक्के का? हाँ जी। जी सर, तो सर ये बताइए हमें, हम इनको किस प्रकार सेल कर सकते हैं और कहां पर आकर सेल कर सकते हैं? सर अगर आपके पास है तो भी हम अपना जो नहीं सर, मतलब ऐसा है, हमें जानकारी चाहिए कि आपके पास है कि नहीं। सर अभी तो हमारे पास कोई सा भी नहीं है जो आपने सेंड किया है, लेकिन हमें जानकारी चाहिए कि यह सिक्का वास्तव में है तो अगर हम कहां पर बेच सकते हैं। सर क्या है सर, हम एक यूट्यूबर है, हम वीडियोज बनाते हैं ओल्ड कॉइन्स या पुराने नोट से रिलेटेड। तो सर काफी सारे लोगों के पास अलग अलग प्रकार की मुद्राएं व कॉइन्स है, तो सर उनको आज बताएंगे, ये स्पेशली वीडियो उनको देंगे सर। तो सर हमारी जो एग्जीबिशन अभी तो मुंबई में लगी हुई है जी, ये इस महीने तक ही मुंबई में है, फिर थोड़ी लोकेशन हमारी चेंज होगी इसी कारण। जी सर। तो सर अभी तो जो हमारी कंपनी का नाम है प्रिया ओल्ड कॉइन्स कंपनी है। प्रिया ओल्ड कॉइन्स कंपनी? हाँ जी। जी सर, देख सकते हो मैं पे जी, वहाँ पे आके बेच सकते हो। और सर किसी भी एग्जीबिशन के अंदर इन्हीं नोटों को, इन्हीं जो सिक्कों को खरीदा जाता है, कोई नोट नहीं बिकते हैं। अच्छा सर। जी सर, तो सर आपका तो एग्जीबिशन इंटरनेशनल है क्या? हेलो जी सर, आपका एग्जीबिशन जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर
और भी फोटोज आपके पास आई वो भी चेक कर लीजिए आप। जी सर मैं चेक कर लूंगा ना, अभी तो क्या प्राइस लिख के ही डाल दो क्या है सर, मेरे पास वो ये कॉइन्स तो है नहीं सर। इसमें से काफी गोल्ड कॉइन है और काफी जो सिल्वर के भी है जी, कांसे के भी है जी और सर, जो चांदी के भी आ गई सिल्वर सर जी सर। जी अगर ये आपके पास है सर, अगर ये सिक्के व नोट होंगे तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा सर। ओके सर जी सर धन्यवाद जी सर। दोस्तों आपने देखा कौन कौन से वो वास्तव में सिक्के हैं या वास्तव में कॉइन्स है या वास्तव में मुद्राएं हैं, उनकी लाखों रुपए में जो प्राइस बताई है, काफी नोट्स व सिक्कों के हजारों में भी बताया है, और मुंबई की प्रिया जो नाम से एग्जीबिशन से या प्रिया कॉइन्स कंपनी है उसमें इन सिक्कों की सेलिंग अभी चालू है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफी सारे मैंने जो सिक्के कॉइन्स बताए हैं, अगर आपके पास ऐसे सिक्के व कॉइन्स है तो आप उनको आसानी से घर बैठे सेल कर सकते हो, वो भी दोस्तों लाखों की प्राइस में। तो दोस्तों इतने दिन हम जिस नोट व कॉइन्स के बारे में गुमराह हो रहे थे उनकी आज सच्चाई सामने आई है, तो वो क्या सच्चाई थी वो पूरी आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है दोस्तों। दोस्तों पूरा डिटेल्स ए टू जेड बताया है कि कौन कौन से कॉइन्स व कौन कौन से नोट वास्तव में बिकते हैं और उनकी क्या रेट है, रेट सहित मैंने आपको बताया है। तो अगर किसी भाई के पास अगर ऐसा हो तो वो मेरे कमेंट सेशन में बताना, ताकि मैं उनको ये इसके नंबर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करना, बात करना और अपना कॉइन्स व नोट जो भी है सेल कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद दोस्तों।